नमस्कार, मी स्मिता यादव। आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। पाहूयात काही विशेष घडामोडी। पनवेल महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 1 मधील मौजे किरवले ठाकूरपाडा येथील अनधिकृत बांधकामावर 2 जेसीबी पोलीस बंदोबस्तात 90 घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत। भर पावसाळ्यात जमीनदोस्त केल्याने स्थानिक रहिवाशांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत। संबंधित जागेचा कोणताही शासकीय सर्वे न करता चाळीवर कारवाई केल्याने स्थानिक रहिवाशांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे। बच्चे कहाँ लेके जाए, बारिश का दिन है, इतना हाथ पैर जोड़ा, इतना रोया, बाकी फिर कुछ भी नहीं। वालों का नाम लेके रहेंगे उधर, क्या करेंगे? जो होएगा मरने का रहेगा, मरेंगे। अब जब अपना वतन वही था तो किधर जाएंगे? बच्चे लोग का लेके बारिश का टाइम है, बारिश होएगा तो इंसान क्या करेगा? भाई दिन नहीं था, अंधेरा 6 बजे करीबन मेरा रूम टो रहा है, 5:30 बजे मेरा अंदर अपना लड़का का दूध दिखा रहे, मेरे अंदर घुस के बाजू पकड़ के मेरा घिसता रहा के निकाल के बोलो सामान निकालना है तो निकालो ना तो मैं तोड़ दूँ। मैं जबरदस्ती निकाल के मैं पकड़ के रो रही हूँ कि जाने दो भाई, जाने दो, बच्चे है किधर लेके जाएंगे बारिश का टाइम है। फिर भी रोने से बोले कुछ नहीं, गरीब दुखिया का इंसान हाय लेगा, बदुआ लेगा तो क्या होएगा? हम लोग क्या अमीर है, गरीब है, फुटबॉल पे आसमान जाना, वो फुटबॉल पे हो गए ना, तोड़ दिया तो क्या हुआ हम लोग का? कहाँ जाएंगे? अपना भांडी बर्तन ऐसे रोड पे लेके खड़े हैं, माता जी को भी नहीं रहने दिए, उनको भी निकाल दिए। कलम पाक रखी थी, कलम पाक तो कलम पाक भी गिरा देते वो लोग। इतनी बड़ी किताब रखी थी घर पे, लोग किताब का ना उठाए होती तो किताब भी मेरा गिर जाता नीचे। हाँ कितना बड़ी हुआ है, ऐसे करना चाहिए? तो चाहा तो ऐसे कैसे पब्लिक ऐसे आपका कहना ये है कि ये म्युनिसिपैलिटी ने एक ही नोटिस न देकर हमको पूरा हमारा घर जमीन दोस्त कर दिया है। नोटिस नहीं मिला था, नोटिस नहीं था, नोटिस नहीं मिला था। हम लोग डायरेक्ट पूरा हम लोग को खींच फाच के पूरा तोड़ दिया, ऑटोमेटिक है, हम लोग के पता नहीं क्या है घर तोड़ने। हमें लगा था अपन उधर देख ले कि भाई चलो नीचे, नहीं हम लोग का जब तक नहीं कहीं देगा तब तक नहीं रहेंगे, उधर ही रहेंगे, कुछ भी होएगा उधर ही रहेंगे। हम लोग बताए भी तब भी कुछ भी नहीं करे, पूरा तोड़ डाले घर हम लोग। अच्छा, दादागिरी करके? हाँ, घर में घुसकर बाहर निकाल हम लोग को बर्तन सब फेंक फाक के तोड़ दिए घर। अच्छा, जहाँ जिसके घर में आप आई वो आपके कौन रिलेशन है, रिश्तेदार कौन से है? मामा है? ये है इनके घर पे। क्या नाम तुम्हारे, क्या लगते हो? क्या लगते? खाला लगते हैं। खाला लगते हैं, हाँ। तो आपको कैसा महसूस होता है खाला का घर टूट गया, अभी क्या क्या करोगे? बहुत रोना आया था हम लोग को, वो बेवा हो रहा था, बच्चे अच्छे भी नहीं। वो ये जमीन असल में महाराष्ट्र शासन का जगह है, और जो भी बिल्डर है जिन लोग ने इनको रूम बेचा है उन लोग को अच्छी तरह से मालूम था ये महाराष्ट्र शासन का जगह है, फिर भी ये गरीब लोगों को गुमराह करके उन लोगों ने यहाँ पर जगह धोखेदारी से उनको दी गई है। और कल जब कार्रवाई हुआ तो जब गरीब लोगों की यही डिमांड थी कॉरपोरेशन के ऑफिसर से कि हमको टाइम दिया जाए खाली करने के लिए, या बगैर नोटिस हमारे रूम आप खाली नहीं कर सकते, तो कॉरपोरेशन के अधिकारी लोगों ने कोई बात इनकी सुनी नहीं है। और इन लोग ने ये भी डिमांड की थी कि ये जगह का पहले सर्वे करो, गवर्नमेंट सिटी सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी देखा एक लेडी का घरपट्टी पिंपरी ग्राम पंचायत का है, इससे ये बात जाहिर होती है, मतलब क्लियर हो जाती है कि उसका जो जगह है वो थाना अधी में अपने, तो कॉरपोरेशन से उसके प्रॉपर्टी का कुछ भी लेन देन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉरपोरेशन के ऑफिसर ने समझना मांगती थी और बाद में कार्रवाई करना चाहिए थी। कार्रवाई के लिए हमारा किसी तरह का विरोध नहीं है, लेकिन कार्रवाई का एक प्रोसीडिंग होता है, वो तो प्रोसीडिंग के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। ये तो पुलिस फोर्स का सहारा लेके खाली गरीब लोगों के ऊपर अन्याय करने का काम कॉरपोरेशन ऑफिसर के तरफ से हुआ है। तो मैं एनसीपी कार्यकर्ता हूँ इधर का। यहाँ पर जो घर तोड़े गए हैं लगभग कितने घर जो है यहाँ पर तोड़े गए? यहाँ पे अंदाज से मेरे हिसाब से 100 घर तोड़े गए हैं कल के दिन में, क्योंकि 2 जेसीबी लगाए थे उन लोगों ने और 25-30 लोगों का उन लोग का स्टाफ था कल के दिन में। लेकिन हम लोग जो है इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने वाले हैं कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में,
कि जिस तरह से के कार्रवाई करने का एक प्रोसीडिंग होता है उसको उन लोग ने फॉलो नहीं किया है और ये गरीब लोगों को बारिश के दिनों में बेघर किया है। तो उस चीज़ को लेके हम लोग जल्द से जल्द इन लोग के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे।